वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसा टॉपिक जो कुछ मेंबर्स ने या फिर कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में पूछा था कि अगर हमारे पास हमारा शेयर सर्टिफिकेट है और हमने उसको लैमिनेट किया है तो क्या उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सोसाइटी उसको बाद में एक्सेप्ट करती है क्या, ऐसे कई सवाल पूछे थे। तो हमने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं उनको भी ये पता चल जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है या फिर आपका शेयर सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट, उसको आप लैमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स क्या है, यूजुअली वो थोड़ा सा पतला वाला पेपर यूज़ करते हैं, थिन पेपर, कि उसके वजह से क्या है, अगर आपको ज़्यादा सालों तक हमें वैसे ही बनाए रखने के लिए, लोग कई बार प्लास्टिक फोल्डर से यूज़ करते हैं या फिर उसको किसी पेपर में रख देते हैं, या फिर लैमिनेट करने का एक ऑप्शन उनको लगता है कि लैमिनेट करने से ये बहुत दिनों तक एज इट इज़ रहेगा ताकि फिर वो फटेगा नहीं और वो ठीक से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एक उनका वहम है। अभी कैसा है कि सोसाइटी के जितने भी शेयर सर्टिफिकेट है, यूजुअली पुरानी जितनी सोसाइटीज़ है उसमें ऐसा एम्बोसिंग वाला स्टैम्प यूज़ किया जाता था, जिसमें कैसा है कि आपको पेपर थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि जब भी वो एम्बोसिंग होगा, दोनों तरीके से प्रेस होगा दोनों जगह से, तो आपको जो सेकेंड वाला फ़ोटो दिख रहा है वैसा वाला वहाँ पे निशान आ जाता था, मतलब राउंड सील आपको ऐसे दिखता था। तो इसके वजह से ज़्यादा करके वो लोग पतला पेपर ही यूज़ करते थे शेयर सर्टिफिकेट के लिए, और फिर वो शेयर सर्टिफिकेट फटने का चांसेस था, इसके लिए फिर कई सारे लोगों ने उसको लैमिनेट करके रखा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब भी आपका शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र होने वाला है, मीन्स अगर आपने घर बेच दिया या किसी को गिफ्ट डीड कर दिया या फिर आफ्टर डेथ वाला ट्रांसफ़र है, तो उस केस में फिर सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। अभी सबसे अच्छा ऑप्शन तो है कि भाई लॉन्ग टर्म आपको प्रिजर्वेटिव रखने के लिए एक लैमिनेशन का ऑप्शन तो है, बट लैमिनेशन आप किस किस को कर सकते हैं। अगर आपका आधार पैन कार्ड है जो सिर्फ आपको दिखाना है, उस केस में कोई भी ट्रांसफ़र का एंट्री या कुछ लिखना नहीं होता है, उस पर कुछ करना नहीं होता है बाद में, तो उसको अगर आप लैमिनेट करके रख सकते हैं तो ठीक है, मतलब अगर आपको रखना है। बट शेयर सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ है जो कोई एक अचीवमेंट का सर्टिफिकेट या एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट नहीं, जो यूजुअली आपको दिखाना है दूसरे को, ऐसा वाला है नहीं। शेयर सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है और हर ट्रांसफ़र में आपको वो दूसरे को हैंडओवर करना पड़ता है। मतलब अगर मैं मेरा घर किसी को बेचने वाली हूँ तो मुझे वो शेयर सर्टिफिकेट उसको हैंडओवर करना पड़ेगा और उसी पे एंट्री होने वाला है बाद में। तो अगर लैमिनेट करके रखोगे तो एंट्री कैसे करेंगे, अगर वो लैमिनेट निकालने की भी कोशिश करोगे तो भी वो प्रॉपर निकल नहीं पाएगा, तो शेयर सर्टिफिकेट फटने का चांसेस है, या कभी कभी इंक निकल आता है उसका, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको लैमिनेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपका सेल एग्रीमेंट हो, चाहे आपका शेयर सर्टिफिकेट हो, या एनी कोई भी एग्रीमेंट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिस पे कुछ ट्रांसफ़र का एंट्री या बाद में साइन की ज़रूरत पड़ती है या बाद में स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे पेपर को आपको लैमिनेशन नहीं करना है। अभी कर दिया तो फिर पता नहीं था भाई कर दिया, तो उसके लिए अभी प्रोसीजर क्या है वो भी बताते हैं कि अगर आपने इनकेस ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपने लैमिनेट किया है या शेयर सर्टिफिकेट का ही लेते हैं, तो आपको सोसाइटी को पहले तो रिक्वेस्ट लेटर देना पड़ता है और उसमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो भी सवाल उठेंगे या अगर जो भी खर्चा होगा या अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सबकी जिम्मेदारी वो मेंबर को खुद लेनी पड़ती है कि भाई लैमिनेट भी उसी ने किया था, तो जिम्मेदारी भी उसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ने तो नहीं बताया था कि लैमिनेट करके रखो। एक तो ये, सेकंड होता है कि आपको फिर ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र के लिए ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी को देना पड़ेगा, लेकिन वो एज़ इट इज़ वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो उसको नया बनाना पड़ेगा, वो लैमिनेट खोल नहीं सकते, उसको डीलैमिनेट नहीं कर सकते हैं। फिर उसका इसमें क्या है कि सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमिटी है वो अपने मंथली मीटिंग में डिस्कस करेगी ये पॉइंट कि ये पर्टिकुलर मेंबर का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था और अभी इसका लैमिनेशन किया हुआ है और हमें शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करना है। तो उस केस में क्या है, वो हो सकता है कि एक तो आपका रिक्वेस्ट लेटर लेगी, आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेगी, सरेंडर करवाना पड़ेगा, सिर्फ लेगी नहीं सरेंडर करवाना पड़ेगा, और थर्ड हो सकता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड या फिर अदर कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उनको लगता है कि इसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो वो सब लिया जाएगा और उसके बाद ही कमेटी डिसीजन लेगी। ये अप्रूवल के बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा, लेकिन वो डुप्लीकेट के नाम से इशू होगा, मतलब
सारी एंट्री एज इट इज़ ही आएगी, लेकिन ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ रहेगा क्योंकि आपने पहले वाला जो शेयर सर्टिफिकेट था उस वो अभी ख़राब हो चुका है, तो वो जैसे ही खोने के बाद एक डुप्लीकेट इशू होता है वैसा ही आपको इशू किया जाएगा। और ये एक बताना है कि अगर बाद में आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के जितने भी, तो ज़्यादातर मेंबर प्लास्टिक फोल्डर का ही यूज़ करें, ऐसे प्लास्टिक के पीपी फोल्डर मिलते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो मल्टीपल वाले फोल्डर है वैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल आप प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा आपको रखने के लिए, मतलब फटेगा नहीं या फिर पतला नहीं होगा या फिर कभी कभी येलो हो जाता है तो इंक दिखती नहीं है, ऐसे सारे प्रॉब्लम के लिए आप ऐसे प्लास्टिक में फिर डाल के रख सकते हैं बट उसको लैमिनेट नहीं कर सकते, इतना ध्यान में रखना। ऐसा है, ये छोटा सा टॉपिक लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके दोस्तों के साथ भी लाइक करना शेयर करना ना भूले। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पहली बार अगर चैनल पे आए होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही नए नए टॉपिक हम लेके आते हैं, फिर जिसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।